अजय देवगन ने यशराज फिल्म्स की 180 करोड़ी सुपरहीरो फिल्म में काम करने से किया इनकार। निभाने वाले थे खलनायक का किरदार। प्रोडक्शन हाउस को लगा बड़ा झटका। वेल, बीते दिनों ऐसी खबरें सामने आई थी कि अजय देवगन ने यशराज बैनर की सुपरहीरो फिल्म साइन की है, जिससे चंकी पांडे के भतीजे आहान पांडे डेब्यू करेंगे। अजय देवगन इस फिल्म में सुपर विलन का किरदार निभाने वाले थे, लेकिन अब ताजा रिपोर्ट्स की माने तो अजय ने फिल्म को करने से इनकार कर दिया है। वजह है बिजी स्केड्यूल। वेल, अजय देवगन इस समय अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर इतने बिजी है कि उन्होंने इस फिल्म से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अजय देवगन ने इस फिल्म का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। इतनी सारी फिल्मों को तारीख देना अजय के लिए बहुत मुश्किल है, जिस वजह से अजय देवगन ने यशराज बैनर की सुपर हीरो फिल्म छोड़ने का फैसला किया है। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म मेकर आदित्य चोपड़ा की ये सुपर हीरो फिल्म काफी समय से अटकी पड़ी है। आदित्य चोपड़ा ने इस सुपर हीरो फिल्म के लिए अजय देवगन को मनाया था और अजय देवगन को भी फिल्म की कहानी में दम दिखा था, लेकिन कोरोना के चलते ये फिल्म आगे नहीं बढ़ पाया। न्यूज पोर्टल के मुताबिक फिल्म में अजय देवगन के कई सीन्स हैं जिनके लिए मेकर्स को उनका अच्छा खासा वक्त चाहिए, लेकिन अजय देवगन इतनी डेट्स इस समय नहीं दे सकते हैं। उनके खाते में 7 से 8 फिल्में हैं, जिनमें से कुछ पूरी हो गई हैं और कुछ की शूटिंग बाकी है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म का बजट लगभग 180 करोड़ रुपए है। एट प्रेजेंट रिपोर्ट्स की माने तो अजय ने फिल्म करने से इनकार कर दिया है, यानी कि अब मेकर्स किसी नए अभिनेता को साइन करेंगे। वो कौन होगा, इसे जानने के लिए फैंस श्योरली बेकरार है। वैसे आपके हिसाब से अजय की जगह इस सुपर हीरो फिल्म में कौन ले सकता है, बताइए हमें कमेंट्स के जरिए।